सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है मिडल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। काफ़ी नॉन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 876। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रेगुलर रीड कोड क्वेश्चन के सोल्यूशन डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये अप्रोच अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न द मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड इफ देयर इज टू मिडल नोड्स, रिटर्न द सेकेंड मिडल नोड। ओके, तो ये कह रहा है कि हमको हेड दिया होगा लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट है। आपको पता होगा लिंक लिस्ट जो मेनली होती है सिंगली और डबली होती है, और डबली यहाँ पर सिंगली दे रखी है, तो उसका हेड दे रखा है हमको। हमको उसका मिडल पता करना है। जैसे हमारा ये लिंक लिस्ट है, अभी आप इसको मत देखो पिक्चर को, अभी आप यहाँ पर देखो जो हमारी ये लिंक लिस्ट है, इसका मिडल क्या होगा? इसका मिडल 3 होगा। अब जैसे कि एरे होता है, एरे में क्या होता है कि हम एरे का साइज़ हमें पता होता है, एरे का साइज़ में आपका मिडल पता करना होता है, तो हम सिंपल करते हैं स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं। 0 प्लस एरे का साइज जो भी है 6 मान लो, उसको डिवाइड बाई 2, तो हमें 3 निकल के आता है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट में हमको पता नहीं होता कि लिंक लिस्ट कहाँ पर एंड कर रही है, क्योंकि लिंक लिस्ट लीनियर फॉर्म में नहीं होती। जो डाटा स्टोर होता है इंग्लिश में वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता जैसे एरे में होता है, तो इस कारण से हमें इसका पता नहीं होता कि इसका साइज़ कितना है। तो इस कारण से हमें इससे पता करने के लिए एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। उस मेथड को बोलते हैं फोर्टाइस टर्टल मेथड बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक पॉइंटर लेना होता है हेड पे, और दूसरा पॉइंटर भी हेड पे लेना होता है, और एक पॉइंटर को हम क्या करते हैं, हम एक कछुए की, जैसे यहाँ पर कछुआ आपको टर्टल दिख रहा होगा, तो टर्टल की रफ्तार से भगाते हैं एक स्टेप में, और दूसरे वाले को हम दो स्टेप भगाते हैं आगे। तो इससे होता क्या, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंटर ले लिया, उसका नाम मैंने रख दिया स्लो पॉइंटर, और एक का मैंने इसको मैंने हेड पे साइन कर दिया कि तो ये तू हेड पे देखने लग जा, और ये हेड पे देखने लग गया स्लो पॉइंटर। और एक हम पॉइंटर लेते हैं, इसका नाम, उसको हम बोलते हैं फास्ट पॉइंटर। नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है उसको काफ़ी अच्छे समझाएगा। तो इसको भी हम हेड पे असाइन करते हैं। हम एक स्लो पॉइंटर ले लिया, हमने एक फास्ट पॉइंटर ले लिया, हम स्लो पॉइंटर को ना क्या करते हैं, एक की रफ्तार से भगाते हैं आगे। जो हमारे जो हेड होता है ना हमारा, हम हेड से ही अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करते हैं ना, तो हम हेड से ही अपने सारे आगे जितने भी लिंक लिस्ट को देख सकते हैं। तो इस कारण से हम स्लो पॉइंटर को हेड पे असाइन करने के बाद स्लो करते हैं, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि लिंक लिस्ट एक की रफ्तार से एक स्टेप आगे जाती है। तो हम स्लो वाले को इस ऐसे भगाएंगे एक की रफ्तार से, लेकिन हम फास्ट वाले को कैसे भगाएंगे, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसको दो की रफ्तार से आगे भगाएंगे। जैसे कि ये फास्ट वाला है, तो ये पहले यहाँ पर गया नेक्स्ट, फिर डॉट नेक्स्ट ये आगे गया। तो इससे होगा क्या इवेंचुअली, इससे इवेंचुअली ये होगा कि जब भी हमारा ये पॉइंटर है फास्ट वाला, ये सबसे पहले जो है एंड पे पहुंचेगा, लिंक लिस्ट के खत्म होने तक ये एंड पे पहुंचेगा ये सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, जब भी ये एंड करेगा ना, इसका जैसे क्या पता, लिंक लिस्ट के एंड में क्या होता है, एंड में होता है नल। जब भी ये एंड में पहुंचेगा, नल में पहुंचेगा ना, तब तक क्या होगा, तब तक ये हमारा जो स्लो वाला पॉइंटर है वो मिडल में आ चुका होगा। जैसे आपको अगर नहीं विश्वास होता तो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। जैसे कि मान लो ये वाली हमारी लिंक लिस्ट है 1 3 2 5 और नल। अब हमने स्लो को एक स्टेप भगाया आगे, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, ये लूप में होगा सारा काम, ठीक है ना। नेक्स्ट पे गया ये कछुआ, यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद ये फास्ट वाला था, जो फास्ट वाला जो हमारा ये रैबिट है अभी, तो यहाँ पर इसको इग्नोर कर दो एक बारी, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर आ गया फास्ट, फास्ट हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये स्लो वाला फिर से आगे गया एक स्टेप, ये दो पे आ गया, स्लो हमारा दो पे आ गया, और फास्ट वाला दो स्टेप आ गया, तो ये कहाँ पर आ गया, नल पे, ये नल पे आ गया। तो जैसे ही नल पे आएगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, फास्ट यहाँ पर आ गया, लूप से बाहर आ जाएंगे, और हम स्लो वाले पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि स्लो वाला उस टाइम तक हमारे पास मिडल पे आ चुका होगा। तो बेसिकली बहुत सिंपल अप्रोच है, और सारे मतलब बहुत सारे लोग यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस अप्रोच से क्या होता है, इस अप्रोच से हम जो हमारा साइकिल होता है लिंक लिस्ट में, जैसे साइकिल होता है, अभी आप आगे क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लिंक लिस्ट में कई बार साइकिल होता है। जैसे कि मान लो अगर ये 5 है, तो आगे नल नहीं होगा इसके, इसके आगे ये फिर से घूम के 3 पे आ जाएगा। तो लिंक लिस्ट क्या होती है कि एंड, मतलब एंड लिंक लिस्ट का एंड कहीं डिफाइन नहीं होता, इस कारण से लिंक लिस्ट में एक साइकिल बन जाता है। लिंक ऐसे अपने में घूमती रहती है, अपने में घूमती रहती है लिंक लिस्ट, ऐसे करके हम जब ट्रैवल करते हैं हेड से तो घूमती रहती है। तो इस उस समय भी ये वाला
जो मेथड है उसमें यूज होता है। तो इस मेथड को अगर आप सीख लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ सीखना कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्लो वाले पॉइंटर को एक रफ्तार से आगे भगाना है और फास्ट वाले पॉइंटर को दो रफ्तार से, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होता है, हम काफी तरह के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कोड की तरफ ले चलता हूँ आपको, तो कोड देख लेते हैं इसका, कोड क्या होगा। तो कोड इसका ये है, मैंने एक फास्ट पॉइंटर ले लिया हेड पे और एक स्लो पॉइंटर ले लिया हेड पे, और मैंने करा कि फास्ट को जब मैंने लूप, मैंने कंडीशन लगा ली कि फास्ट जब तक मेरा नल नहीं हो जाता और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ये मैंने कंडीशन इसलिए लगाई है कि हमें नहीं पता कि जो हमारा पॉइंटर है कितना बड़ा है, वो मतलब उसमें कितने एलिमेंट है, 7 है 8 है, क्योंकि अगर वो ओड होगा, ओड एलिमेंट होंगे उसमें, तो उसमें क्या होगा कि ओड एलिमेंट में वो फास्ट डॉट नेक्स्ट पे नल होगा, और जो इवन एलिमेंट होंगे उसमें वो फास्ट 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 इक्वल टू नल पे होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है, अगर मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो अभी देखो, अभी जो फास्ट वाला पॉइंटर था हमारा, पहले यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया, क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा यहाँ से यहाँ आ गया नल पे गया, इसका मतलब होगा फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये होगा ना, फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल है। और ये क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ पर एक और एलिमेंट मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर 3 जोड़ देता हूँ, तो कैसे होता, तो फास्ट वाला कैसे कैसे जाता, फास्ट वाला पहले यहाँ जाता, फिर फास्ट वाला यहाँ जाता, फिर फास्ट का अगला नल नल होता है ना, तो उस समय क्या होता, फास्ट इज इक्वल टू नल, फास्ट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल है। तो इस कारण से हमें ये दो दो कंडीशन लिखनी होती है कि फास्ट का जो फास्ट नल तो नहीं है, या फिर फास्ट का नेक्स्ट वाला नल तो नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में जब भी ये कंडीशन मीट करती है तो आप लूप से बाहर आ जाओ। तो उसके अंदर मैंने कंडीशन के अंदर क्या लिखा है, लूप के अंदर क्या लिखा है, लूप के अंदर मैंने लिखा है स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, दो की रफ्तार से भगाया। उसके बाद जैसे ही लूप खत्म होता है, जैसे ही कंडीशन यहाँ पर ये फुलफिल होती है ये वाली, तो मैंने रिटर्न स्लो कर दिया। इसको रन करके देखते हैं, रन हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो देख सकते हो आप काफी फास्ट रही है ये एल्गोरिदम, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई देखना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगा हो। इसको मैंने गिटअप का जो मेल कोड का लिंक है नीचे दे दिया है, अगर आपने कभी विजिट करना तो विजिट कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं हमारे गिटअप रेपो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय गाइस।